अमित शाह से प्रदर्शनकारियों की मुलाकात पर पेच फंस गया है। दरअसल शाहीन बाग पे भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी। वहीं अमित शाह से मुलाकात करना शाहीन बाग की महिलाएं चाहती थी, लेकिन सीए के विरोध में जिस तरह से दिसंबर से महिलाएं धरने पर बैठी हैं, ऐसे में मुलाकात करने के लिए अमित शाह से वो चाहती थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्हें रोक दिया गया। तो पेच जो है प्रदर्शनकारियों का अमित शाह से मुलाकात पर वो फंसा हुआ है और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। तो सीए एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है शाहीन बाग में, और शाहीन बाग में अब प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि अमित शाह से मुलाकात हो, और इस मुलाकात को लेकर कहीं ना कहीं हामी भी भरी गई। और जब मुलाकात का समय आया तो कहा जा रहा है कि अभी जो पेच है वो इस मुलाकात को लेकर फंसा हुआ है। और इसी पर ज्यादा ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी अमित दुबे का। अमित, आखिरकार ये पेच कहां आकर फंस गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी मुलाकात करना चाह रहे हैं और अमित शाह भी चाहते हैं कि ये मामला जो इतने दिनों से चल रहा है खत्म हो, मुलाकात हो और बातचीत के जरिए इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अमित शाह पहले भी कई बार कह चुके हैं इस बात को कि किसी को भी सीएए और एनपीआर को लेकर अगर कोई भी संदेह, कोई भी बात करना चाहता है तो गृह मंत्रालय यानी उनके दरवाजे जो है वो हमेशा खुले हैं और वो आके बात कर सकता है। इस बीच शाहीन बाग से कल खबरें आई कि किस तरह से गृह मंत्रालय जो है वो उनसे मिलना चाहता है और गृह मंत्रालय जो है शाहीन बाग के लोगों के संपर्क में, लेकिन गृह मंत्रालय ने इन सभी बातों का खंडन किया। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गृह मंत्रालय के पास नहीं थी। और आज खुद अमित शाह ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो भी चाहे वो उनसे मिल सकता है, और इसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे। शाहीन बाग के लोग खुद चाहते थे कि वो अमित शाह से मिलें, लेकिन जो मिलने का तरीका था कि वो शाहीन बाग से प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्रालय तक जाना चाहते थे और उसके बाद फिर जाके गृह मंत्रालय में अमित शाह से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और यही वजह थी कि आज भी मुलाकात टल गई और कोई मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी जो भी लोग थे जो डेलीगेशन के रूप में प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्रालय तक आना चाहते थे उन्हें रोक दिया गया और उन्हें वहीं पर रोका गया है। सिर्फ जो मुलाकात की संभावना थी वो इस बात पे थी कि जो भी उनके अनुयायी, जो ही फॉलोअर्स है, जो उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं खासतौर पर शाहीन बाग को, उनका डेलीगेशन आके गृह मंत्रालय में मिल सकता था, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करते हुए आने की इजाजत नहीं मिली। जी, तो क्या अब यहाँ पर कहा जा रहा है? अमित, अब क्या कहा जा रहा है, क्या मुलाकात करने दिया जाएगा? देखिए, अभी भी गृह मंत्रालय अपनी बात पे, हालांकि ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय अपनी बात पे कायम है। गृह मंत्रालय में अगर शाहीन बाग के लोग आते हैं तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जरूर उनसे मुलाकात होगी, लेकिन जिस तरह से जिसकी मैं लगातार बात कर रहा था कि शाहीन बाग में पूरा एक हुजूम जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका ही एक गुट जो है वो बड़ा गुट जो है वो प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से आना चाहता है उसे बाकायदा शाहीन बाग में ही रोका गया है। पुलिस फोर्स की संख्या और ज्यादा शाहीन बाग में बढ़ाई गई है, पहले के मुकाबले जो है पुलिस अलर्ट पे, और पुलिस किसी भी हाल में शाहीन बाग के प्रदर्शन को शाहीन बाग के बाहर नहीं निकलने देना चाहती। यही वजह है कि मुश्किल है कि आज भी मुलाकात पॉसिबल हो, और अगर शाहीन बाग के लोग इस बात पे तैयार होते हैं कि वो प्रदर्शन करते हुए नहीं गृह मंत्रालय जाएंगे बल्कि उनका एक डेलीगेशन जाएगा जो कि गृह मंत्री या गृह सचिव से मुलाकात करेगा, अगर इस बात को लेके पुलिस जो है उन्हें तैयार करने की कोशिश कर रही है और शाहीन बाग के लोग अगर इस बात पे तैयार हो जाते हैं तो उम्मीद है कि शाम तक मुलाकात संभव हो, लेकिन अगर शाहीन बाग के लोग इस तरह से नहीं तैयार होते हैं तो अभी भी जो मुलाकातों का दौर है वो सिर्फ अटकलों के रूप